महाराष्ट्र के एक शहर में समीर अपनी पत्नी अनु के साथ रहता था। समीर पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसके पास करने के लिए कोई भी दूसरा काम नहीं था, इसलिए वो बेरोजगार होकर घर पर ही बैठा रहता। समीर और उसकी पत्नी का बड़ी ही मुश्किलों से गुजारा हो रहा था। आइए, घर आइए, मैंने खाना लगा दिया है। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। अरे भाग्यवान, मैं घर में घुसा ही हूँ बस, और तुम शुरू हो गई। अच्छा, पहले खा लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। जैसे ही समीर ने खाना खा लिया, अनु ने कहा, मैं कहना चाहती थी कि क्या मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर सकती हूँ? मेरा भी बड़ा मन है, और इससे हमारे घर की आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, लेकिन इस शहर में जब मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा तो तुम्हें कैसे मिलेगा? और ऊपर से सोचो, मैं ग्रेजुएट भी हूँ, पढ़ा लिखा होकर मैं काम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। किसने कहा कि हमें सिर्फ नौकरी ही करनी है? जिंदगी में सिर्फ यही थोड़ी ना रह गया है, हम खुद का कोई व्यापार भी तो कर सकते हैं, जैसे कि चाय की दुकान खोल सकते हैं या और भी कुछ। मैंने सब सोचकर और करके देख लिया है, कहाँ कोई व्यापार चल रहा है। जब से लॉकडाउन खुला है तब से किसी के पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से कुछ होगा। समीर के मना कर देने से अनु निराश हो जाती है। अगले दिन सुबह वहाँ पर अनु की बचपन की सहेली झिलमिल आती है, और उसे देखकर अनु बहुत खुश होती है, लेकिन थोड़ी परेशान भी होती है, क्योंकि उसके घर पर मेहमान नवाजी के लिए कुछ भी नहीं होता। अरे अनु, कितनी पतली हो गई है, और ये क्या, मुझे देखकर तू खुश नहीं हुई? मैं बहुत खुश हूँ तुमसे शादी के बाद जो मिल रही हूँ, बस तुम्हें देखकर बचपन की याद आ गई। अब कुछ भी बचपन जैसा तो नहीं रहा, दोनों बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, और अब ये सब। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अनु किचन में जाकर बासी चावल और दूध का अच्छा सा खीर बनाकर झिलमिल को परोसती है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है कि बड़ा दिल लगा कर बनाया है। मुझे बस तुमसे एक सलाह चाहिए थी। तब जाकर अनु ने झिलमिल से सारी बातें बताई। तुम सबसे अच्छा क्या बना लेती हो? सबसे अच्छा वड़ा पाव बना लेती हूँ, एक बार जो खाएगा ना वो हमेशा याद रखेगा। अगर ऐसा है तो तुम वड़ा पाव का व्यापार क्यों नहीं करती? यहाँ आसपास कोई खाने की दुकान भी नहीं है, तुम अपनी दुकान खोल दो। कुछ ही दिनों में वो दोनों अपना वड़ा पाव का व्यापार खोल देते हैं। आज हमारे व्यापार का पहला दिन है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, ये सोचकर कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रेजुएट है और वड़ा पाव की दुकान खोलकर बेच रहा है, ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। आप इतना क्यों सोच रहे हैं, आज हमारा शुभ दिन है, हमें अच्छे मन से काम की शुरुआत करनी चाहिए। दुकान खोले कुछ ही देर हुए थे कि वहाँ पर कुछ ग्राहक आए। भाई साहब, मुझे तो वड़ा पाव देना। अरे समीर, तुम तो हमारे साथ क्लास में पढ़ते थे और आज वड़ा पाव बेच रहे हो, कुछ पैसे उधार चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, ये सब करने की क्या जरूरत थी। अरे हाँ यार, ये तो समीर है, जाने दे, हम वड़ा पाव खाकर यहाँ से चलते हैं, वो अपना खुद देख लेगा। अपने बचपन के दोस्तों को देखकर समीर निराश हो जाता है। अन्नू, मेरे सारे दोस्त अच्छा काम, नौकरी और अच्छी तरक्की कर रहे हैं, और मुझे देखो, उनके बच्चों को और उन्हें वड़ा पाव खिला रहा हूँ। ये सब इसलिए क्योंकि आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, अब बस ये सोचिए कि हम कुछ अलग क्या कर सकते हैं। क्यों ना हम ओरियो वड़ा पाव खोले, अब आधे कुएं में उतर ही चुके हैं तो पूरा उतर कर देख लेते हैं, चलेंगे तो चांद तक वरना शाम तक। आपका हुक्म सर आँखों पर जनाब, कल से ही हम ओरियो वड़ा पाव बना कर बेचेंगे, बेसन में ओरियो की बिस्किट और उसमें वड़ा पाव, बहुत मजा आएगा। अनु और समीर ने अगले ही दिन से ओरियो वड़ा पाव बेचना शुरू कर दिया। पहले ही दिन उनकी ग्राहकी बहुत अच्छी हुई। अरे वाह, आज की कमाई देखो कितनी अच्छी हुई है,
कई दिनों के बाद मेरे हाथ में इतने पैसे आए हैं। मैंने पहले ही कहा था ना आपसे कि आप खुद पर भरोसा कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। कुछ दिन ओरियो वड़ा पाव का व्यापार चलने के बाद उनके पास समीर के बचपन के दोस्त फिर से आते हैं। तब तक दुकान बहुत अच्छी और बड़ी हो चुकी होती है। हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें गलत समझा समीर भाई, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। और तो और हमारी नौकरी भी अब नहीं बची। अब हमें समझ आ रहा है कि बेरोजगार होकर नौकरी ढूंढना कितनी बड़ी बात होती है। इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है दोस्त, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे ओरियो वड़ा पाव के व्यापार में मदद कर सकते हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समीर के साथ उसके व्यापार में हाथ बटाने की बात पर राजी हो गए। तुम समझे मैंने क्यों कहा था समीर के यहाँ नौकरी करने के लिए? मुझे पता था कि हमारी बातों में समीर और उसकी पत्नी आ जाएंगे। अब इनकी पूरी दुकान हमें हथियानी है बस। लेकिन समीर ने हमारे मुश्किल वक्त में मदद की है, और अगर हम उसके साथ ऐसा करेंगे तो भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। समीर कल भी हमसे पीछे था और आज भी हमसे पीछे होगा। मैं भलाई और अच्छाई की बातें नहीं जानता। समीर की ये इतनी बड़ी दुकान मैं लेकर रहूंगा। कहो मोहन, क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद किया? हमें एक दुकान हथियानी है, प्लीज बताइए कि मैं क्या करूं जिससे वो दुकान मेरी हो जाए। एक काम करो, दुकान के मालिक की एक कोरे कागज पर सिग्नेचर यानी दस्तखत ले लो, बाकी का काम मैं कर लूंगी। बस इतनी सी बात, कोरे कागज पर दस्तखत? ये तो मेरे लिए आम बात है, इसे मैं तुम्हें कल ही लाकर दे दूंगा। और तब मैं उस कोरे कागज को बदल कर उस दुकान को तुम्हारे नाम कर दूंगी। ठीक वैसा ही हुआ। मोहन समीर के घर गया और उससे एक कोरे कागज पर उसका दस्तखत ले लिया। और दूसरे ही दिन मोहन वकील लेकर समीर के ओरियो वड़ा पाव के दुकान पर पहुंचा। ये दुकान अब मोहन के नाम पर है, तुम इसे खाली कर दो और अपना रास्ता नापो। बड़ा आया हमें नौकरी देकर हमारा घर चलाने वाला। तू पहले से मंद था और आज भी मंद ही है, समझा? हमसे आगे कभी नहीं जा पाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतने में समीर ये सब देखकर हंसने लगता है। सुन बे, मुझे तुझ पर पहले से ही शक था। जी आप ये सब क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। यहाँ हमारी दुकान दाव पर लग गई है और आप हंस रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। मुझे इसके बारे में मयूर ने पहले ही बता दिया था। वो इसकी तरह लालची और मतलबी नहीं था। उस रात मयूर मेरे घर आया था और मुझे उसने सारी बातें बता दी और मैंने कागज पर नकली दस्तखत कर दिए। तब जाकर वहाँ पर मयूर पुलिस वाले के साथ आ गया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इंस्पेक्टर ने वकील और मोहन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मोहन की लालच ने मोहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। समीर, अनु और मयूर तीनों मिलकर ओरियो वड़ा पाव का व्यापार जोरों शोरों से करने लगे।